नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। आइए ना। और समधी जी? ऑफिस से वो निकल गए हैं, आते ही होंगे। अरे बेटी की सगाई में स्वागत के लिए खड़े होना चाहिए तो अभी तक ऑफिस में ही है। लगता है शादी में फेरे के समय पहुंचेंगे यहाँ। आप आइए ना, वहां क्यों रुक गए, आइए ना। पहली बार इस घर में शुभ काम के लिए आ रहे हैं तो पैर धोकर आते तो। सुनो, पानी लेकर आओ। क्या देख रहा है, यहाँ हमारी तरह लोटे में पानी नहीं देते, पाइप से देते हैं। यहाँ का यही कल्चर होगा भाई, पैर धो लो, लाओ। मेरी होने वाली बहू कहाँ है? मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ओके सर। समधी जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज हैव अ सीट। कहिए पंडित जी, क्या करना है मुझे, पर जरा जल्दी। यजमान शास्त्रों के अनुसार जो करते हैं उसके लिए वक्त नहीं देखते। ऊपर से सगाई है, समाज इसे आधी शादी मानती है। इस पोशाक में रीति रिवाज शुभ नहीं माना जाएगा, धोती पहनकर आ जाए। क्यों, अगर बिना धोती पहने शगुन दे देंगे तो अशुभ होगा? शास्त्र के अनुसार चले तो अच्छा है समधी जी, अपने कंफर्ट के लिए परंपरा तो नहीं बदल सकते ना। मैं 1 मिनट में आइए। गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः द्वयमातुरश्च हेरंब एकदंतो गणाधिपः विनायकः चारुकर्णः पशुपालो भवात्मजः द्वादश एतानि नमानि प्रातः उत्थाय य पठेत विश्वं तस्य भवेद अवश्यं न च विघ्नं भवेत क्वचित विघ्नेश्वराय वरदाय शुभप्रियाय लंबोदराय विकटाय गजाननाय। शगुन का आदान प्रदान कीजिए। ब्रह्मा मुरारे स्त्री पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु के। दोनों हाथों से लीजिए जी। पंडित जी, अब आप अच्छा सा मुहूर्त देख लीजिए। गोदावरी सरस्वती। यजमान, अगले महीने में 9 तारीख को अत्यंत ही शुभ मुहूर्त है, वर्षों बाद ऐसा योग बन रहा है। सिर्फ 15 दिन? वेल इट्स ओके फॉर मी। शादी से एक दिन पहले जाएंगे चलेगा? बिल्कुल नहीं। शादी के एक दिन पहले कैसे चलेगा? शादी के कितने काम होते हैं? कितने काम होते हैं? आज की सगाई से लेकर विघ्नहर्ता का दान, पत्रिका का लेन देन, दूल्हा बनाना, धोती बनाना, हल्दी, काशी यात्रा, वर पूजा, गौरी व्रत, मंगल स्नान, बाद में कन्यावरण होता है, मधुपरक होता है और दूसरी भी चीजें तरह की रस्में होती है ना, इसीलिए। हाय श्री। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इतना थैंक्स किस लिए? सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे कहने हैं। मेरी सच को छुपाने के बावजूद मुझे समझकर मुझे चाहने के लिए थैंक्स। पापा से हमारे बारे में बात करने के लिए थैंक्स। तुम्हारे घर वालों को कन्विंस करने के लिए एक और थैंक्स। और अरे बस बस बस, इतना काफी है? काफी नहीं है, तुम यहाँ नहीं हो लेकिन तुम्हें जोर से हक करने का मन कर रहा है। अरे यार, इतना अच्छा चांस गवा दिया ना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना तो दे देना। हाँ हाँ दे दूंगी, लेकिन एक बात मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी। वो क्या? हम दोनों ऐसे प्यार करके अब शादी कर रहे हैं, पर हमने फर्स्ट लव में आने वाली वो फीलिंग मिस कर दी वासु। ऐसा क्यों सोच रही हो श्री? आज से लेकर हमारी शादी के दिन तक हमारे प्यार को हर दिन और हर पल महसूस करती रहो, फिर देखना। माँ, लेडीज सेक्शन उधर है, आप सब वहाँ जाइए। अरे क्या कर रही हो? अगर कुछ ट्राई करना हो तो ट्रायल रूम में ही आते हैं ना। क्या ट्राई करोगी तुम? किस?
क्यों? लड़कों को ही लड़कियों पर प्यार आता है, हमें नहीं आता, हम नहीं कर सकते। जितनी शरीफ दिखती हो उतनी हो नहीं। तुमने कहा था कि तुम किसी से कुछ लेते हो तो उसे चलती ही लौटा देते हो। दे तो दूंगा, लेकिन ट्रायल रूम में आकर किस लौटाना, थोड़ा सा। वासु कहाँ हो तुम? यही हूँ, ट्रायल रूम में। ठीक है, जल्दी बाहर आओ, बुआ बुला रही हैं। आ रहा। ये डिजाइन अलग है, ठीक है, इसका कलर अच्छा है। हाँ माँ, तुमने बुलाया था। श्री, बहू के लिए साड़ी सिलेक्ट कर दे। ये कैसी है? मैं क्यों सिलेक्ट करूंगा, ये आ गई है ना, खुद सिलेक्ट कर लेगी। पदु, तू जरा हाँ? वहां जाकर बैठ जा। हाँ। आओ बेटी। ये कैसी लगी? आओ बैठो। अच्छी है। अच्छा, शादी में रिश्तेदारों को भी साड़ियाँ देनी होती है, वो भी अभी ही ले लेते हैं ना। हाँ ठीक है माँ जी। हमारे रिश्तेदार कम से कम 25-30 होंगे, उनके लिए 10,000 में हो जाएगा और बाकियों के लिए 2-3,000 में हो जाएगा। चाची मुझे एक डाउट है। बोलो वासु। जो शादी में आएंगे वो मुझे और श्री को एक जैसा आशीर्वाद देंगे या फर्क होगा? शह, ये क्या बोल रहे हो, आशीर्वाद तो एक जैसा ही होता है ना। जब वो आशीर्वाद देने में फर्क नहीं करेंगे तो तोहफा देने में हम फर्क क्यों करें? वो हमारे मेहमान है, सबका दर्जा एक है, अगर हम ही उनमें फर्क करने लगे तो ये तो गलत होगा ना चाची। उन्हें कुछ ना दें तो भी चलेगा, लेकिन कम देकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। शादी के न्योते में फर्क, खाने में फर्क, तोहफा देने में फर्क, ये नहीं करेंगे, सबको एक जैसा ही देंगे। बहुत अच्छी बात कही बेटा। जीजू, कितनी जोड़ी ले रहे हो? 25 जोड़ियां। 25 जोड़ी? हाँ, तेरी दीदी दिन भर में 3 साड़ियां तो बदलती है, अब घर में शादी है तो हर घंटे बदलेगी ना। मैं उसका पति हूँ तो मुझे भी उसके जैसे लगना चाहिए। हाँ ले लो जीजू। बहन जी। हाँ भैया। वो अब तक यहाँ आए नहीं? किसी मीटिंग में होंगे, वो आ जाएंगे। शादी के कपड़े खरीदते वक्त अगर सब साथ होते तो अच्छा होता। चाहती तो मैं भी यही हूँ, आ जाएंगे वो। 5,000 crores is a deal and bins on is yeah. हेलो सर, मीटिंग में है बेटा। और हम यहाँ वेटिंग में हैं, जाकर सर को फोन दो। द वे वी आर गोइंग। सर, वासु जी का फोन। जस्ट अ मिनट। हेलो। शॉपिंग छोड़कर मीटिंग कर रहे हैं आप? इट्स अ 5,000 क्रोर मीटिंग here। हाँ तो क्या हुआ? मतलब ये इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर मैं तुम्हें वहाँ साड़ी सूट दिलवाने आऊँ क्या? करना पड़ेगा ससुर जी, परंपरा के अनुसार दुल्हन के माता पिता के साथ ही दूल्हे के कपड़े खरीदे जाते हैं, तो खरीद दीजिए। अपनी बकवास बंद करो। टाइम इज मनी, टाइम इज प्रॉपर्टी टू मी। टाइम को मैं ऐसी छोटी बातों के लिए वेस्ट नहीं करता। ये डील हो जाएगी तो आपका बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, आपकी कंपनी को एक और प्रोजेक्ट मिल जाएगा, यही ना? श्री ने बताया था कि आप हमेशा कहते हैं जबान देना बिजनेस स्टार्ट करने जैसा होता है, उस पर खरा उतरना बिजनेस सक्सेसफुल करने जैसा। आप तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ना, तो आपको जबान की वैल्यू मैं क्या समझाऊं? मुझे अच्छा ये है देखा। हाँ, ये ले लो ना फिर। हाय ससुर जी। तुमने आने के लिए कहा, आ गया। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट में हो जाएगा। सिलेक्शन में थोड़ा वक्त लग जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक्चुअली सासू माँ कंफ्यूज हो रही हैं कि कौन सी साड़ी खरीदे, तो आप जाकर उनकी मदद कर दीजिए, जाइए ना। हाँ लक्ष्मी, टेल मी। सुनिए, इन साड़ियों में से कौन सी अच्छी है? प्लीज दिस, या टेक दिस। थैंक यू। या
माँ पापा ससुर जी सासू माँ सब सुनिए, श्री जरा यहाँ आना। आप में से कईयों ने मैरिड लाइफ देख ली है, हम अब देखने वाले हैं। सो शादी के बारे में, शादी के बाद होने वाले चेंजेस के बारे में हम आप सबसे सुनना चाहते हैं। अभी वो सब किस लिए यार? जरूरी है चाचू, आजकल कई लोग शादियों में जाते हैं, वहाँ के सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन घर आने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता। शादी में गए ऐसा लगता ही नहीं है। बचपन में दादी माँ ने बताया था, शादी का मतलब त्योहार है, और अगर ऐसी शादी हो तो जिंदगी भर याद रहती है। मैं अपने कई शादीशुदा दोस्तों और कलीग्स को देख रहा हूँ, कोई पत्नी से डरता है, किसी को पति पर गुस्सा है, ईगो और छोटी छोटी बातों पर बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। इसीलिए आपकी यादें, आपके एक्सपीरियंसेस हमें बताएंगे कि शादी के बाद खुश रहने का राज क्या है। दादी माँ आप शुरू कीजिए। अरे ऐसे अचानक पूछेगा तो कैसे? पूछ लिया ना, स्टार्ट कीजिए। तेरे दादाजी कहा करते थे, हमारे पैदा होने के बाद जिस तरह हम माँ बाप को देखा करते हैं, बच्चों के पैदा होने के बाद उसी तरह पत्नी को भी देखना चाहिए। अगर ये बात याद रखोगी तो शादी अच्छी रहेगी। इसे भी ऐसे ही देखना बेटा। नेक्स्ट मामा जी। हाँ। अब आप कहिए ना। मैं ठीक है। बेटी वो टैप दो। पति पत्नी के बीच का प्यार डब्ल्यू जैसा होता है, नई नई शादी के बाद उनके बीच का प्यार पीक्स पर रहता है, बाद में बच्चों की वजह से करियर में सेटल होने के प्रोसेस में प्यार घटता जाता है, दोबारा जब बच्चे बड़े होकर अपने काम करते हुए लाइफ में वो सेटल हो जाते हैं तब उनके बीच में प्यार बढ़ता है, वहां से बच्चों की शादी उनकी जिंदगी सेटल करने तक प्यार थोड़ा घटता है, एक बार जब जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे के प्रति उनका प्यार फिर से बढ़ने लगता है और दोबारा पीक्स पर आ जाता है। मतलब पति पत्नी का प्यार पीक से शुरू होकर पीक में एंड होता है, बीच में आने वाले उतार चढ़ाव को छोड़कर एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हुए चलें तो उनकी जिंदगी खुशहाल होती है। हमारी तरह। कैसा लग रहा हूँ? फूफा जी अब आपकी बारी, बताइए। पत्नी जैसा कहे करते जाओ, लाइफ अच्छी रहेगी। हमारी अर्धांगिनी जो कहती है वैसा ही करता हूँ, इसलिए झगड़े नहीं होते। आपकी बातें भी मैं मानती हूँ ना, इसलिए हमारे भी झगड़े नहीं होते। ससुर जी आप बताइए ना। हाँ बोलिए ना। मैं बोलती हूँ। ये कहेंगी। ओके बताइए। हर लड़की बचपन से लेकर एक उम्र तक अपनी सारी फीलिंग्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करती है, बाद में भाइयों के साथ, बहनों के साथ, और उसके बाद फ्रेंड्स के साथ, फिर कुलीग्स के साथ। हर एक स्टेज पर कोई ना कोई उसकी जिम्मेदारी लेता है, पर इन सबकी जिम्मेदारी एक साथ लेने वाला सिर्फ पति होता है। हम औरतों की छोटी छोटी खुशियां होती हैं वासु, घंटों मेहनत करके खाना बनाने के बाद पति बस एक बार कह दे कि ये खाना अच्छा है, वही हमारे लिए काफी है। जब श्री पैदा हुई थी तुम्हारे ससुर जी ने उसे अपनी गोद में उठाया था और वो बहुत खुश हुए। उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने सारे दर्द भूल गई। जानते हो पति साथ चलकर कुछ खरीदवा दे तो पत्नियों को कितनी खुशी होती है। जब इन्होंने उस दिन दुकान में आकर मेरे लिए एक साड़ी सिलेक्ट की तो मैं बहुत खुश हुई थी। इतने सालों के हमारे रिश्ते में वो दूसरी बार था जब उन्होंने मेरे साथ रहकर मेरे लिए एक साड़ी खरीदी थी, पहली बार तब जब नई शादी हुई थी। कहते हैं कि औरतें कुछ छिपा नहीं सकती, लेकिन हम बहुत कुछ छुपाती हैं। बस अपने पति के प्यार के सिवाय। बाय। श्री बहुत खुशकिस्मत है
कि वह तुम्हारी फैमिली में जा रही है।